फ्रेंड्स, ये आज का जो वीडियो है वो मंथली ग्रॉसरी हॉल का वीडियो है। मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं अगस्त के मंथ में किस तरह से और क्या क्या मैंने ग्रॉसरी लिया है और किस तरह से मैं चीप लेने की कोशिश करती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तीन सेक्शन में मैंने डिवाइड करके रखा है। जो ये वाला सेक्शन है ये मैंने लोकल स्टोर से लिया था और ये जो बीच में है इसको मैंने ग्रोफर्स से लिया है और ये वाला सेक्शन मैंने बिग बास्केट से लिया है। ये मैं तीन जगह से इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं प्राइस कंपैरिजन करती हूँ और जहाँ पे चीप मुझे मिलता है वहाँ से मैं लेती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ लोकल स्टोर से। लोकल स्टोर से मैंने ये घी लिया है, 1 kg घी है। ये मेरा हेयर ऑयल है, हम लोग पतंजलि का केशकांति हेयर ऑयल यूज़ करते हैं। ये रेड लेबल का चाय, ये नेचुरल केयर, ये मैंने इसके पहले यूज़ नहीं किया था। तो टीवी पे बहुत ऐड देखती थी तो मैंने सोचा कि चलो इस बार ये वाला यूज़ करके देखते हैं। और ये है आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर। इसके साथ ही मैंने ये कॉम्बो का जो 4 का जो कॉम्बो आता है मैगी का वो मैंने लिया है। एक ये एक चिली सॉस लिया है, ये बहुत ही छोटा बॉटल है, हम लोग का ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये। और ये एक छोटा सा पैकेट मैंने गोल्डी का हींग लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 kg रिन डिटर्जेंट पाउडर लिया है और ये टाटा सॉल्ट में लास्ट मंथ से मैंने ये लाइट पे यूज़ करने लगी हूँ तो ये टाटा सॉल्ट लाइट लिया है। ये आप एक्चुअली एज यू ऑल नो कि प्लास्टिक्स बैन हो रहे हैं तो इसलिए पेपर बैग्स में इन लोग दे रहे हैं। तो ये मैंने बेसन लिया है और ये अगर आप देख सकते, ये मैंने किशमिश लिया है, ये एल्बो पास्ता जिसको हम लोग मैकरोनी भी कहते हैं वो लिया है, ये छोले हैं, ये पोस्तो दाना लिया है। अगर किसी भी बंगाली घर में ये आपको मिल ही जाएगा, ये पोस्तो दाना है। इसे काफ़ी सारी रेसिपीज होती है, मैं ज़रूर आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। और ये है काजू, कैश्यू नट, और ये है धुली हुई मूंग की दाल, ये भी मैंने थोड़ा सा लिया है। तो यही, इसके अलावा मैंने चावल और अरहर की दाल ली थी जो मैंने ऑलरेडी रिफ़िल कर दिया था, मुझे ज़रूरत था तो मैंने उसको रिफ़िल कर दिया। और बाकी यही है जो हमने लोकल स्टोर से लिया है, दैट्स इट। अब हम ग्रोफर्स से मैंने लिया है ये हॉर्लिक्स का, मैंने जार नहीं लिया है क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा चीप लगा और मैं रीयूज़ कर सकती हूँ जो मेरे पुराने जार्स है हॉर्लिक्स के। तो मैंने 1 kg के 2 पैक लिए हैं, 2 कार्टन लिया है। ये मैंने नाइसिल का ये कूल हर्बल टैल्क पाउडर लिया है, ये मिक्स फ्रूट जैम है किसान का, और ये मुझे ग्रोफर्स में ही उन लोगों ने, आई गेस वहीं पे मिलता है क्योंकि लोकल स्टोर में तो मैंने देखा नहीं और ना मैंने बिग बास्केट में देखा। ये मुझे कॉर्नफ्लेक्स मिला सेम और, तो मैंने इसको लिया है। ये है यस, ये है 500 ग्राम का, 1/2 kg है। नाउ कमिंग टू द बिग बास्केट हॉल, मैं पीछे से शुरू करती हूँ। ये है बागरी का म्यूसली, फ्रूट एंड फाइबर म्यूसली है, मिक्स्ड फ्रूट है,
तो मैंने ये भी मैं पहली बार मैं ट्राई करने जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो मिक्स करके कभी कॉर्नफ्लेक्स कभी म्यूसली लेके देखेंगे। और व्हाट आई रेड, काफ़ी सारे आर्टिकल्स एंड इन सब में मैंने देखा है कंपैरिजन में कि कॉर्नफ्लेक्स से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है म्यूसली। लेट्स सी, हम यूज़ करेंगे, डेफिनेटली आपसे भी शेयर करेंगे। और वैसे भी मैं मिक्स करके ही लेती हूँ, मैं रोज़ कॉर्नफ्लेक्स या म्यूसली ये सब मैं रोज़ नहीं लेती हूँ। मैं बाकी के जो ब्रेकफास्ट आइटम्स है वो भी मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने एक ही बॉक्स लिया है ये। इसके साथ ही मैंने ये बेटी क्रॉकर का पैनकेक मिक्स लिया है। इसमें और भी फ्लेवर्स आते हैं लेकिन मैंने ओरिजिनल वाला ही लिया है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें जस्ट ऐड वाटर, ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए ये मैं सेकेंड टाइम इसको मैंने ऑर्डर किया है। सिर्फ पानी इसमें मिलाना होता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी मिलाती हूँ, ज़्यादा पोर्शन मेरा दूध का रहता है। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही फ्लफी बनता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। और बहुत ही, ये 250 ग्राम्स का है और है ये 95 रुपीज़ का, लेकिन मुझे ये मिला है 85 रुपीज़ का। राइट, 85 रुपीज़ का मुझे ये मिला है। तो और इसमें काफ़ी मतलब क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मुझे थोड़ा सा ही देना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा तो पैनकेक नहीं बनता है। इतने छोटे छोटे भी अगर हम लोग अगर बनाएंगे तो काफ़ी सारे उसमें बनते हैं। इसमें लिखा है 11 to 12 पैनकेक्स बनते हैं लेकिन ज़्यादा ही बनता है। अच्छा, ये इसके बाद मैंने राइस ब्रैन ऑयल लिया है, ऑलरेडी मेरे पास एक पैकेट है। जनरली मुझे मंथली 2 लीटर ही कंज्यूम होता है लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा रखती हूँ, तो ऑलरेडी मेरे पास एक है तो मैंने ये 2 लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे बिस्किट्स एंड बिस्किट्स एंड बिस्किट्स हैं। ये गुड डे बिस्किट के 2 पैक लिए हैं, जहाँ पे जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में थोड़ा बहुत ये सब लेना पड़ता ही है। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा न्यूट्रिशियस ले सकूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत ये सब चल ही जाता है। तो ये है ओरियो बिस्किट और बर्बन, और लकीली ये ओट ऑरेंज बिस्किट मेरे बेटे को बहुत पसंद है तो ये मैंने लिया है। और साथ ही में मैंने ये मैकविटीज का डाइजेस्टिव बिस्किट भी लिया है। इधर मैंने बर्बन लिया है एंड यस, ये डॉक्टर ओएटकर का फन फूड्स का ये चॉकलेट एगलेस केक मिक्स है। इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ता है, आप देख सकते हैं इसमें 1/2 kg का केक बनेगा और इसमें सिर्फ आपको बटर और वाटर सिर्फ मिलाना पड़ता है और ये मिक्स बन जाता है। बहुत ही अच्छा, मैंने इसके पहले एक बार बनाया है तो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू, आई वुड कि आप इसको लेके देख सकते हैं। अचानक अगर घर में अगर डेजर्ट अगर आप बनाना चाहो तो ये इजीली बन जाता है। इसके साथ ही मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने ये ग्रेनोला बार्स लिया है। ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया है लेकिन होपफुली वो इसको पसंद करे। ये ओट्स एंड हनी फ्लेवर का है तो ये मिला है। इसमें 8 बार्स है आई गेस, ये यहाँ पे 6 नंबर एंड 2 बार्स लिखा हुआ है। आई थिंक ये 8 8 बार होगा इसमें। एंड इसके बाद मैंने बैंडिनो का पेने पास्ते लिया है। नाउ ये पीछे आप ये देख सकते हैं, ये है रनवे फ्लोर क्लीनर एंड शाइनर, ये साइट्रस फ्रैग्रेंस का है। और इसके साथ ये मुझे बिग बास्केट में ही मिला, आई डोंट थिंक ये ब्रांड जो है लोकल स्टोर पे मुझे मिल पाता। और इसके साथ ही ये मुझे कॉम्बो किट एक्चुअली मिला, इसके साथ मुझे टॉयलेट क्लीनर मिला, वो भी सेम ब्रांड का ही है। 219 रुपीज़ का इसमें मेंशन है एंड 2 लीटर है इसमें। इसमें कोई डिस्काउंट ऐसे नहीं है लेकिन ये कॉम्बो मिला है तो 219 रुपीज़ का 2 लीटर एंड 1/2 लीटर ऑफ दिस टॉयलेट क्लीनर, तो मुझे ये थोड़ा सा चीप लगा।
क्योंकि इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं, मतलब एवरी मंथ मुझे ये नहीं लेना है, तो ये मुझे लगता है कि इट विल गो फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months, लेट्स सी। इसके बाद ये मैंने ये टूथपेस्ट लिया है डाबर का, हम लोग यही जनरली यूज़ करते हैं, इसके साथ मुझे फ्री भी मिला है। इसके साथ मुझे ये फ्री स्कूल किट मिला है, पेंसिल स्केल एंड इरेजर, दैट्स गुड। नाउ इसके बाद मैंने ये लिया है राइस इडली MTR का, राइस इडली मिक्स है ये। मैं ट्रेडिशनली वे में इडली या डोसा मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम भी लेता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है बहुत ज़्यादा। मैं ये राइस इडली ही मंगाती हूँ, और इसका और डोसा का बैटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये थोड़ा सा थिक होता है, तो कंसिस्टेंसी में सिर्फ डिफरेंस है, तो मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ उत्तपम में भी, और डोसा एंड इडली तीनों में ही मैं इसको यूज़ करती हूँ, और ये हम लोग का जनरली ब्रेकफास्ट में आता ही है। एंड इसके साथ मैंने यहाँ पे फन फूड्स के पास्ता एंड पिज्ज़ा ये सॉस लिया है, ये भी बहुत ज़्यादा, ये मैं अगर काठी रोल बनाऊं या फिर ऑब्वियसली पास्ता एंड पिज्ज़ा के लिए तो ये यूज़ होता ही है, तो काठी रोल एंड रैप इन सब में ये बहुत ज़्यादा मैं यूज़ कर लेती हूँ इसको। नेक्स्ट है ये सैंडविच स्प्रेड, ये क्यूक्यूम्बर एंड कैरेट फ्लेवर का है, ये भी फन फूड का है। एंड ये मेयोनीज, मैं वेज मेयोनीज ओरिजिनल जो होता है वही मैं यूज़ करती हूँ, और ये मुझे ज़्यादा चीप पड़ता है अगर मैं ज़्यादा बड़ा ये मैंने पैक मंगाया है। तो फ्रेंड्स यही है मेरा इस मंथ का ग्रोसरी हॉल, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिला हो कुछ नए चीज़ें ट्राई करने के लिए। तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर इसमें कोई फीडबैक देना हो तो आप प्लीज़ उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे वीडियोस को फर्स्ट देख पाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट यू, आई विल मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।